मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में वेस्टेज मटेरियल, जिसको मेडिकल की भाषा में मेडिकल वेस्ट कहा जाता है, इधर उधर पड़े दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में जब हमने डीन से बात की तो उनका साफ तौर से कहना था, सतना की कंपनी को हमने काम दे रखा है, हम इसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। लेकिन टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ वहाँ बिखरे मेडिकल वेस्ट मटेरियल अपनी कहानी स्वयं कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से कई गंभीर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मेडिकल यार्ड में मेडिकल वेस्ट फेंकने के लिए एक मैदान है। कई सालों से यहाँ पर इंसुलेटर की व्यवस्था है, जिसमें मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के साथ ही अस्पताल की गंदगी को भी रखा जाता है, यहाँ पर नष्ट किया जाता है। अस्पताल में एक डंपिंग यार्ड बकायदा इसके डंप करने के लिए बनाया गया है, जहाँ पर मेडिकल वेस्ट का अंबार लगा है। यही नहीं, आसपास भी जिस तरीके से मेडिकल वेस्ट फेंका गया है, जो अपने आप में ये दर्शाता है इसको लेकर प्रबंधन कितना सचेत है। कई तरीके की संक्रमण बीमारी भी फैलने का खतरा इससे होता है। इसी मेडिकल वेस्ट को आवारा जानवर अपना निवाला बनाते हैं, जो कई तरीके की बीमारियां भी जन्म दे सकते हैं। अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को इंसुलेटर के माध्यम से नष्ट करना चाहिए, लेकिन अस्पताल परिसर के पास खुद ही खुले मैदान में कचरा फेंक दिया जाता है। वहां से इसको नष्ट करने के लिए कभी एकत्र करके ले जाया जाता है, जो काफ़ी खतरनाक है। इसे नष्ट करने के बजाय खुले में फेंकना कितना हानिकारक हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगाइए। जिस तरीके से आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, मेडिकल वेस्ट यहाँ वहाँ फेंके हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको देखते हुए भी अस्पताल प्रबंधन और ठेकेदार अनजान बने हुए हैं। कभी कभी इन मेडिकल वेस्ट को मैदान में आग लगाकर जलाया जाता है, जो अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। परिसर के चारों तरफ फैली गंदगी और मेडिकल वेस्ट का लगा ढेर अस्पताल प्रबंधन और जिम्मेदारों की लापरवाही को साफ तौर से बयां करता है। बायोमेडिकल वेस्ट सामग्री को इंसुलेटर मशीन में डालकर नष्ट करना चाहिए, नियम तरीका यही कहता है। लेकिन जिस तरीके से अंबार लग रहा है, उसको देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काफी समय से यहीं पर पड़ा हुआ है, जिसकी दुर्गंध व कीटाणुओं से बीमारी फैल रही है। ऐसे में अस्पताल जहां बीमारियों से निजात देने की जगह बन गई, बीमारी फैलाने की भी जगह हम कह सकते हैं। मेडिकल वेस्ट को रोजाना आवारा जानवर अपना निवाला बना रहे हैं, जो उनके लिए भी जानलेवा है, साथ ही ये दूसरों तक भी बीमारी फैला सकते हैं। बगल में मेडिकल कॉलोनी है, मेडिकल कैंपस है, डॉक्टर रहते हैं, साथ ही MBBS की पढ़ाई करने वाले लड़के और लड़कियों का छात्रावास है, नर्सेज हॉस्टावास है, जहां पर इसका असर भी देखा जा सकता है। लेकिन सारे के सारे जिम्मेदार लोग अनजान बने हुए हैं। हमने इस बारे में अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल डॉक्टर अवतार सिंह से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। मेडिकल जो वेस्ट है हॉस्पिटल में, है ना, तो ये जो कौन सी कंपनी काम कर रही है, कहाँ जाता है, क्या होता है? जो हमारे यहाँ पे मेडिकल
ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।